शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्राह्मण सेना डिफेंस की ओर से रास्ते से गुजर रहे यात्रा को गाड़ी रोक कर किया गया भोजन दान। लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों को खाना देने वाले हाथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से बाहरी राज्यों में जाने हेतु सभी ट्रक बस को नागपुर होकर ही गुजरना पड़ता है। रास्ते पर होटल बंद होने से सफर करने वाले मजदूरों को खाना मिलने की दिक्कत हो रही है। इस बात को ध्यान में रखकर ब्राह्मण सेना की ओर से पुलिस स्टेशन के सामने स्थित बस स्टॉप पर इतवार को दोपहर 11 बजे भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के मुखिया श्रीराम बाटवे के हाथों भोजन दान शुरू किया गया है। मुंबई से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जा रहे 400 से अधिक युवकों को उनके बस रोककर ब्राह्मण सेना के पदाधिकारियों ने खाना व पानी देने से सभी ने धन्यवाद माना। 31 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद भी ब्राह्मण सेना की ओर से रोड पर जाने वाले मजदूर भाइयों को खाना खिलाने का प्रयास करने की जानकारी सेना के पदाधिकारियों द्वारा दी गई है। इस समय ब्राह्मण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष त्रिवेदी, वाड़ी शहर अध्यक्ष राजू मिश्रा, डिफेंस ब्राह्मण सेना कार्याध्यक्ष नीरज त्रिपाठी, अध्यक्ष अतुल कठाले, नीरज शुक्ला, महेंद्र शर्मा, अरुण त्रिपाठी, विजय शुक्ला, अवनीश मिश्रा, हर्षल थोमरे, ओपी उपाध्याय, संतोष दुबे, अरविंद तिवारी, संजय तिवारी, पंकज तिवारी, तरुण चौधरी, शैलेंद्र त्रिपाठी एवं अन्य कार्यकारी सदस्य विशेष रूप से शामिल थे। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो आज ये सब हो रहा है और जो हमारे भारत में 22 मार्च से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है कि भाई लॉकडाउन की परिस्थिति है, जनरेट हो गई है जो भारत में, वो भारत में 22 मार्च से लागू हुआ, जो 24 मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया। वो पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल तक के रहा, दूसरा लॉकडाउन 14 से फिर 3 मई हुआ, 3 मई से तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक हुआ। अभी आज का डेट 17 मई है और 17 मई से फिर 31 मई तक के हो गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन क्या है, ऐसे परिस्थिति में ब्राह्मण सेना हमेशा, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ब्राह्मण सेना निरंतर सभी लोगों को हर प्रकार का सुविधा मुहैया करा रही है। ब्राह्मण सेना 25 मार्च से अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और तब से लोगों को खाना पहुँचाना, किसी को राशन देना, किसी को धन की संबंधित हो जानकारी वो भी देना, मतलब हम लोग हमेशा तन मन धन से लगे हुए हैं ब्राह्मण सेना। इस समाज के द्वारा पिछले 1 महीने से अन्नदान का कार्यक्रम, जो हमारे दूर दराज से आए हुए मजदूर भाई इधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए इसका आयोजन कंटिन्यूसली 1 महीने से हम लोग यहाँ पर करते आ रहे हैं और आज भी उसी कड़ी में यहाँ हम लोग अन्नदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। देश में आज परिस्थिति ऐसी है कि तमाम मजदूर जो अन्य क्षेत्र से इधर उधर आए हैं उनको अपने गांव जाने की पड़ी है। सबको लगता है कि हम लोग अपने गाँव जाए, किंतु गाँव जाते समय उनको जो दिक्कतें आ रही, खास करके उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो हमारे यहाँ के ब्राह्मण समाज के द्वारा यह जो आयोजन किया, इस आयोजन में डिफेंस के अंदर में जितने भी हमारे ब्राह्मण वर्ग है, वाड़ी के अंदर में जितना भी ब्राह्मण समाज है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं समझता हूँ कि यह भी कार्य जो है एक तरह से हम लोग समाज का एक अंग होने के कारण हम लोग कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न रखते हुए ब्राह्मण समाज के द्वारा साधारणतः जितने भी जो हमारे कर्मचारी बंधु है, जो अलग अलग जगह से लेबर लोग यहाँ से अपने अपने गांव जा रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पर अन्नदान का कार्यक्रम आयोजन किया है और आप आगे भी हम लोग इसी तरह से कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। ब्राह्मण सेना वाड़ी राजू मिश्रा व ब्राह्मण सेना डिफेंस नीरज त्रिपाठी और उनका पूरा संपूर्ण ग्रुप पिछले लगातार 50-52 दिन से अन्नदान अन्न वितरण कर रहा है। आज कोरोना वैश्विक महामारी के सबसे बड़े शिकार मजदूर वर्ग हुए हैं। मजदूर वर्ग का ट्रांसपोर्टेशन होने की शुरुआत होने के बाद में उनको अन्न की सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही, भोजन की सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ये तकलीफ को ब्राह्मण सेना ने अपने हाथ में लेकर के लगातार 52 दिन से मजदूरों को अन्नदान, किराना दान या नाश्ता कराने की मुहिम चालू है। मैं ब्राह्मण सेना समूह की ओर से वो समाज को बधाई देता हूँ। इन बीसीएन न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।